हेलो टेरेस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेरेस, अभी आप देख सकते हो, ये जो है ये देख सकते हो आप, निफ्टी बैंक का चार्ट है। और आज हमने एक ट्रेड किया था भाई। आज का मार्केट में क्या बताऊं यार, आजकल के मार्केट जो है 2-4 दिन से ना कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें पोजिशन ये ब्रेक इवन ही है। मान लो 170 एक ट्रेड आज लिया गया था, यहाँ पे आप देखोगे तो 71 पे एक ट्रेड मैंने बाय किया था। ये दो दो ट्रेड है, रिजेक्ट है, रिजेक्शन है, रिजेक्ट किया है मैंने इसको, कैंसिल किया है। 71.63 पे बाय किया था और 72.90 पे मैंने बेच दिया था। ये ब्रेक इवन ही है, इसमें कोई ज्यादा इसमें प्रॉफिट तो मतलब 127 इसको मैं प्रॉफिट नहीं मानता, और क्योंकि ये ब्रेक इवन ही है। आज हमने कोई भी मतलब एक ट्रेड किया था प्लान, और एक ट्रेड मैंने किया था बट वो भी जो है ब्रेक इवन ही हुआ। बट कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल के मार्केट आज देखो यार, आज ये भी देखोगे तो मार्केट ही आज यहाँ खुला नीचे गया। बैंक निफ्टी तो थोड़ा मूवमेंट दिखाया भी, आज बैंक निफ्टी मूवमेंट दिखाया। कल कल जो है निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने मूवमेंट नहीं दिखाया था। कल का देख लो बैंक निफ्टी, ये है कल का बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया था। अगर आप मैं यहाँ पे निफ्टी कर दूं तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने कल मूवमेंट दिखाया था, लेकिन आज निफ्टी ने मूवमेंट नहीं दिखाया। यहाँ पे आप देखोगे तो कल निफ्टी ने जो है मूवमेंट दिखाया था डाउन साइड में, और फिर उसके बाद निफ्टी साइडवेज हो गया था। आज ये देखो, आज ये 9:15 की कैंडल है, आप लोगों को आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे देखना, ये 9:15 की कैंडल ही आ जाएगी। 9:15 की कैंडल है, 24 नवंबर 9:15 की कैंडल। आज निफ्टी ने जो है मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाया, थोड़ा साइडवेज रहा पूरे दिन जो है। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे दिन तो पहली बात तो साइडवेज रहा। यहाँ पे अगर ऐसे कर लोगे आप तो ये आपको समझ आएगा कि ये पूरे दिन साइडवेज रहा। उसके बाद इसको जब ब्रेकआउट भी किया, जब इसको ब्रेकआउट किया तो भाई इसको थोड़ा तो मूव देना चाहिए था ना। आप हम सब यहाँ वेट कर रहे थे कि भाई ये इधर ब्रेकआउट करे तो नीचे साइड मूव अच्छा खासा मिलेगा, अपने डे लो को कट करेगा। तो इसने डे लो को कट भी किया, लेकिन यार कहाँ कितना मूव दिया इसने, कुछ भी मूव नहीं दिया। अगर मैं बात करूं मूव की तो ये देखोगे ये क्या है, ये मूव थोड़ी ना है यार, ये मूव थोड़ी ना है। फिर उसके बाद वापस अंदर घुस गया, फिर उसके बाद जो है ये पूरा दिन कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन में बिताता रह गया। फिर अपना जो टारगेट जो अपना ये था, क्या बोलते हैं, यही अपना टारगेट यहीं पे रहा। और मैंने यहाँ पे 19,950 का जो है कॉल बाय किया था, ये 18,850 का कॉल बाय किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ 18,850 का सी, यही वाला बाय किया था, 18,850 का सी ये था। एंड मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे बाय किया था मैंने, यहीं पे कहीं 18,850 के सी को मैंने बाय किया था भाई। कितने रुपए में बाय किया था यार, 17 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते पोजिशन में, यहाँ पे मुझे समझ आ जाएगा कि टाइमिंग क्या थी। इसको बाय करने की टाइमिंग थी सर 1:50 पे मैंने बाय किया था ना, हाँ 71 1:50 पे मैंने बाय किया था। तो 1:50 ये देखो, ये थे, यहाँ पे मैंने बाय किया था इसको, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था। इसमें मेरा टारगेट हिट ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो मैं निकल गया था ना, यहीं पे निकल गया था मैं, थोड़ा ऊपर मेरे को निकलना पड़ गया। हालांकि ऊपर गया था ये, यहाँ तक गया था ये, यहाँ तक गया था, मुझे 4-5 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। मेरा टारगेट था ये, मेरा टारगेट था 10 रुपए का, यहाँ पे 10 रुपए का मेरा टारगेट था। बस 10 रुपए का टारगेट पे नहीं गया, यहाँ पे गया कम से कम 5 रुपए गया, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड किया बिकॉज मेरे को 10 रुपए टारगेट लेना था। जब आपको बड़ा टारगेट लेना होता है तो छोटे मोटे टारगेट आपको छोड़ने होते हैं। फिर मार्केट जब यहाँ आया तो मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ेगा इतने रुपए, मतलब 1 रुपए में मेरे को निकलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक इवन पे मैं निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे जहाँ बाय किया था वहीं पे मैं निकल गया। तो अब अभी आप प्रॉफिट देख सकते हो कि पोजिशन में जो है 172 का प्रॉफिट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बस और लर्निंग पर्पज के लिए मैंने बनाया है। अभी देखो यार मार्केट में जो है अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना ये सारी चीजों को, सॉरी 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये सारी चीजें समझ आएगी कि अभी मार्केट जो है कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी जो है कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे आप देख लो, ये कंसोलिडेशन जोन में, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब तो कल मार्केट एनालिसिस करना है, 3 दिन मार्केट बंद है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है, ये रेंज के बीच में फंसा हुआ है। ये कट करे कुछ, इस रेंज को कट करे, या फिर मैं कहूंगा कि यार देखो यार मैं क्या कहूंगा, मैं तो चाहता हूँ ये इस वाले रेंज को कट कर दे, ऑल टच इस वाले रेंज को कट कर दे ऊपर साइड में।
अगर इसको कट करता भी है तो यहाँ तक तो चलो जाएगा, बट जो भी है इस वाले रेंज को कट करेगा तो यहाँ तक इजिली आ सकता है, इजिली नहीं लेकिन फिर भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है ठीक है ना। तो हम तो इंटरनेट ट्रेडर हैं, बीच बीच में जो भी है लेता चलेंगे। और अभी आप देख सकते हो मार्केट, ये पूरे पूरे दिन ये देखो ना, ऐसे 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 दिन में आप ट्रेड कर लोगे क्या? ऐसे ऐसे दिन में क्या है यार, हर कोई यहाँ पे फंसेगा, ऐसे ऐसे दिन में ना हर कोई फंसेगा, ऐसे ऐसे दिन में क्या बंदा ट्रेड करेगा? ये देखना, ये कोई दिन है, ये कोई दिन है, ये कोई दिन है, ये सब और ये रेंज में फंसा हुआ है। इसको अगर ऊपर के साइड ब्रेक करे तो हम थोड़ा ऊपर ना नीचे जाने की कोशिश करें, तो कोई जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। और 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, कल सैटरडे ही है, और कल सैटरडे है और परसों क्या है संडे है, और उससे बाद मंडे है, तो 3 दिन आप लोग जो है रेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, सीखो, समझो। एंड अभी मेरा चार्जिंग देख सकते हो 65 हो चुका है। तो चलो मिलते हैं आपसे कल की, अगले दिन के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में और कल के मार्केट ट्रेडिंग मार्केट एनालिसिस में। तो बस ये लर्निंग पर्पस के लिए था यार, बस आप सीखो समझो और आगे बढ़ो। तो चलो विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।